Uh, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो हमारे भी आ रहे हैं पता नहीं क्यों आ रहे हैं तो नहीं जरूरत तो नहीं थी यहाँ पे कोई पता नहीं सैर सूर करनी हो uh, जिस तरह के मैंने बताया था मिलियंस ऑफ uh, जो मिलियंस ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसकी प्रॉपर्टी उस बंदे की ना सिर्फ 360 सौ साठ प्रॉपर्टियां लंदन में है दुबई में प्रॉपर्टियां मलेशिया में और इस डिस्कशन में ये सवाल उठाए जाने हैं कि चाइना और रशिया जो है दे आर क्लोजली अलाइन सो चाइना एंड रशिया आर क्लोजली अलाइन दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ इंडिया मोदी बिकॉज

भारत जो है ना थोड़ा सा अमेरिका वेस्ट की अमरीका एक, एक, एक स्टेज पे है, जहां पर वो हो सकती है और बाइडन साहब जो है वो मोदी को प्रोटोकॉल देंगे इस वक्त काफी ज्यादा उसके बाद अगले महीने अक्टूबर 22 तेईस के आसपास मोदी जी जाएंगे रशिया के शहर कजान में और वहां पे ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट करेंगे और नमस्कार दोस्तों जय हिंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका की यात्रा पर हैं पीएम मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने घर पर इनवाइट किया पीएम मोदी के वहां पहुंचने से पहले ही यूएसए से ऐसी ये स्टेटमेंट आना शुरू हो गया है कि इंडिया इज अ क्वाड लीडर पीएम एम मोदी वहाँ समिट में शिरकत करेंगे इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ पीएम मोदी की बाय मुलाकात भी होगी ये क्वाड का पांचवा एडिशन है और अमेरिका के डेलवर में ये समिट होगी डेलवर अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडन का होम टाउन है पीएम मोदी के अमेरिका दौरे का यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव है अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच कई समझौते भी होंगे पीएम मोदी ने कहा क्वार शिखर सम्मेलन में अपनी सहयोगी राष्ट्रपति जो बाइडन प्रधानमंत्री अल्बनीज और प्रधानमंत्री शिकीदा के साथ शामिल होने के लिए वो उत्सुक है यह मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति प्रगति और समृद्धि के लिए काम करने वाले समान विचारधारे वाले देशों का एक प्रमुख समूह के रूप में उभरा है वही चीन पीएम मोदी के क्वार सम्मेलन में जाने की खबर सुन डरा हुआ है अमेरिका के सदर बाइडेन साहब जो है वो नरेंद्र मोदी को अपने घर बुला रहे हैं आपको पता है कॉर्ड की एक्स्ट्रा ये मीटिंग हो रही है जो फॉर्मर प्रेसिडेंट नॉट नॉट फॉर्मर बट प्राइम प्रेसिडेंट बाइडेन जो है उनके होम स्टेट उनके घर में समझे हो रही है ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि अब अमेरिका ये समझता है कि ये जो क्वाड है ये एक लीडिंग रीजनल ग्रुप है और बाकी क्वाड पार्टनर्स के साथ मिलके ये इसकी बड़ी प्रायोरिटी है मिल रही है और सबसे बढ़ के जो चीज़ ये है के, अमरीकी सदर जो है बाइडेन साहब ही वाज द फर्स्ट पर्सन अमंग द ऑल द फोर कंट्रीज जिसने बेसिकली जो क्वाड ग्रुपिंग है इसको लीडर लेवल पे दो में लेके आया मतलब अपने तीन सालों में चार दफा मिल रहे हैं

ये चीज जो हुई है वो हुई है सो uh, so, uh, uh, और लेकिन इस दफा एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इस मीटिंग में कि ये जो क्वाड मीटिंग है इसमें जापानीज प्राइम मिनिस्टर किशिदा एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन दोनों घर जा रहे हैं ठीक है जी uh, अब जैसे मैंने आपको बताया ये देनी तो इंडिया ने थी लेकिन कॉन्फ्रेंस करनी तो इंडिया ने थी क्योंकि uh, और uh, लेकिन uh, मोदी साहब वाला केस हो गया फिर बाइडेन भी री इलेक्शन के चक्कर में पड़ गए तो बाइडेन भी बाय द वे इसको इस्तेमाल करना चाहते थे मैं आपको सच्ची बात बताऊं बाइड जिस मोदी साहब के ऊपर है ना कि वो री इलेक्शन के लिए कॉर्ड को इस्तेमाल करना चाहते थे बाइडेन भी री इलेक्शन के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते थे लेकिन मोदी साहब जो है उसने कहा चलो ठीक है यू नो

कि देखिए रिपेयर रिफ्यूल ये सारी की सारी चीजें तभी हो सकती हैं रीसप्लाई ये सारी की सारी तबलीजें चाइना अमेरिकन तभी कर सकते हैं इफ दे हैव हैव अ वेब ऑफ फ्रेंड्स अराउंड देम एंड दे ऑन सो हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और वो उसके लिए अमेरिकन मूविंग लॉट ऑफ रिसोर्सेज इन दैट कंट्रीज Um, जैसे उसमें ऑस्ट्रेलिया एंड जापान तो है जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है इंडिया नीड्स डेट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का इंटरेस्ट इसमें so, सवाल इस उठाए जाने हैं कि चाइना और रशिया जो है दे आर क्लोजली अलाइंस एंड रशियाली अलाइंस दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ इंडिया मोदी बिकॉज इंडिया लुक्स चाइना एंड रशिया सेपरेटलीट ठीक है कि हमारे इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब जो है हमारे भी आ रहे हैं पता नहीं क्यों आ रहे हैं तो नहीं जरूरत तो नहीं थी यहाँ पे आ, चले कोई पता नहीं सैर सूर करनी हो जिस तरह की मैंने बताया था मिलियंस ऑफ जो मिलियंस ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसकी प्रॉपर्टी उस बंदे की ना सिर्फ 360 सौ साठ प्रॉपर्टियां लंदन में है दुबई में प्रॉपर्टी है मलेशिया में और न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में भी प्रॉपर्टी यहाँ हमारे जितने भी जो मुगल शहजादे हैं ब्रिटिश एजेंट है खासकर उनकी प्रॉपर्टी हर जगह पे है पता नहीं जो इनके साथ आ रहे हैं लोग उनकी कहाँ प्रॉपर्टियां होंगी जरूरत नहीं थी पाकिस्तान के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो यूनाइटेड नेशन में डिस्कस की जाए देखे वो क्या हालात है लेकिन वो हफ्ते के लिए आए हैं पांच दिन या हफ्ते के लिए मोदी साहब मेरा ख्याल तीन दिन के लिए पहले मैं सुन रहा था दो दिन के लिए लेकिन तीन दिन के लिए आएगा तो सबसे पहली चीज उनके एजेंडे के ऊपर है यूक्रेन और गाजा की मांग उसके बारे में डिस्कस किया जाए और मैं समझता तो हूँ इस वक्त मोदी साहब और डॉक्टर जयशंकर इज इन वेरी गुड टू टॉक अबाउट इट क्योंकि उनका दौरा यूक्रेन का भी है और उनका दौरा रशिया का भी है पुटन से से भी मिले हैं और से भी मिलके आ तो मेरे ख्याल में वेरी नोबल ऑफ देम तो टू टॉक अबाउट इट फिर क्वाड से मीटिंग्स होंगी ऑस्ट्रेलिया और जापान के जो है वो भी यहाँ पे डेलवेर है डेलवेर के अंदर विलमिंगटन शहर है जहां पे हमारे बाबा जी जो है वो वाशिंगटन डीसी छोड़कर वहां जा चुके हैं जहां उनका भाई घर है तो वहीं पे आएंगे पता नहीं होश में होंगे या नहीं होंगे लेकिन दूसरे दूर जापान ऑस्ट्रेलिया वाले मोदी साहब वहां पे होंगे मोदी साहब वहां से ट्रेवल करके न्यूयॉर्क जाएंगे और ट्रेडमार्क है मोदी साहब का कि को प्रमोट करना उनकी हौसला अफजाई करनी वो करेंगे और जो तीसरी सबसे बड़ी बात है जिसमें मैं बड़ा आई वेरी कि वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी के जो सीईओ होंगे उनसे मिलेंगे और वो उसमें हीरोज में कौन होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले होंगे क्वांटम कंप्यूटिंग uh, uh, और सेमीकंडक्टर वाले इनसे मिलेंगे जिससे दुनिया को फायदा जिससे भारत को फायदा so myself, India, तो दिस इज व्हाट आई ऑलवेज टेल माय सेल्फ के ही नेशनलिस्ट इज लिफ्टिंग अप इंडिया जो कि कई लोग शहबाज शरीफ से नहीं मिलेंगे शाबाश क्या, क्या मिलके करें भईकू मेरे पास या तो बताएं ना कोई बात ऐसी हो जो करने वाली हो तो पता नहीं मिल शायद